now we discuss play in early childhood and we will define play what play is and how does it influence our early child so according to webster's desk dictionary of the english language the word play has 34 different meanings in terms of young children and play the following definitions are from webster's like light brisk or changing movement means प्रिटैंड यू आर अ बटरफ्लाई और एक्ट और इनमिटेट अ पार्ट ऑफ पर्सन और कैरेक्टर एंड टू एम्प्लॉय अ पीस ऑफ इक्विपमेंट देखिए बच्चे जब हल्की या तेज़ कोई हरकत करते हैं भागते हैं दौड़ते हैं जिसमें कंट्रोल्ड फिजिकल मूवमेंट भी है अनकंट्रोल्ड फिजिकल मूवमेंट भी है और फ्री मूवमेंट है जहाँ मर्जी जिस तरह मर्जी वो मूव करें और फिर ये ये, ये प्ले की ते हैं फिर ये ये फिजिकल मूवमेंट अपनी जगह पे लेकिन जो आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज है वो अलग है वो भी खेल का हिस्सा है जैसे ये कि बच्चे किसी करेक्टर को अपनाएं करेक्टर की तरह हरकत तो सकनात करें या वो किसी भी शख्स को जिसको ऑब्जर्व करते हैं या जो चीज़ें उनके हाथ में जैसे ब्लॉक्स है गुड़िया है या जीप है कार है वो उसको दौड़ाते हैं उसके साथ आवाज़ें पैदा कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये खेल का हिस्सा हैं ये हम डिफाइन करते हैं कि प्ले जो है वो फ्री मूवमेंट है यानी हमारे फिजिकल ऑर्गन्स की हमारे ब्रेन की और हमारी जो बाकी सारी मूवमेंट्स हो रही होती हैं फिर ये कि जो प्ले है वो बच्चों को खुशी देता है मतलब वो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ अपोज टू सीरियसनेस जब बच्चे खेलते हैं तो वो खुश होते हैं जब उनके अपने अंदर का कैथारसिस होता है जो कुछ वो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं तो एक प्लाइर फील करते हैं और फिर जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा आराम से सुकून से बैठा है और आप उसके साथ खेलना शुरू करते हैं और उसको मूवमेंट की तरफ लेके आते हैं तो एक हैप्पीनेस नेचुरल उसके फेस पे आ जाती है एंड देन इज टू एम्प्लॉय अ पीस ऑफ इक्विपमेंट देखिए जो इर्द गिर्द जितनी चीज़ें पड़ी हैं जिस तरह से हम उनको देखते हैं बच्चे उससे कहीं बेहतर उसको देखते हैं और बड़ी अच्छी चीज़ों के साथ उसको इमेजिन करते हैं जैसे एक गाड़ी छोटी सी हमारे लिए तो वो एक छोटा सा आए है लेकिन बच्चे के लिए वो एक ऐसा इक्विपमेंट है ऐसी चीज है जिसके पीछे वो सारा मंजरनामा खुद से तखयल करता है खुद से इमेजिन करता है और वो जैसे ये रोड है ये रोड पे जा रही है ये पी 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 कर रही है इसकी टक्कर हो गई है इसका फला हो गया तो वो काफ़ी कुछ उसके साथ इमेजिन करता है फिर आ, कुछ खेल ऐसे हैं जो आ, जैसे बच्चे किसी करेक्टर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं फ्रॉग बन रहे हैं डक बन रहे हैं या इस तरह का कुछ मूवमेंट कर रहे हैं फिर देखिए हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि हमारे खेल के जो बुनियादी यानी बड़ी किस्में हैं उनमें फंक्शनल प्ले है कंस्ट्रक्टिव प्ले है ड्रामेटिक और प्रिटेंट प्ले है और गेम्स विद रूल्स भी हैं समटाइम्स हम रूल्स के साथ भी गेम्स खेलते हैं जैसे लूडो है तो बच्चों को पता है कि अगर मेरी गोटी हार जाती है या वो सांप के काटे पे आ जाती है या सीढ़ी पे जाती है तो क्या होगा तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बच्चों की हर तरह की नश्वनुमा के लिए ज़रूरी हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने आई अब जब फंक्शनल प्ले की बात करते हैं जिसमें बच्चे के सारे अज़ा बराबर से फंक्शन कर रहे हैं वो उछल कूद भी रहा है वो अपनी मसल्स को भी मूव कर रहा है उसका जहन भी तेजी से काम कर रहा है वो सोच भी रहा है वो डिसीजन मेकिंग भी कर रहा है फिर ये कि कुछ दफ़ा जैसे हम कंस्ट्रक्टिव प्ले है जिसमें बच्चे खुद से कोई चीज़ें बनाते हैं ब्लॉक्स की मदद से वो कुछ बना रहे होंगे कोई घर बना रहे हैं गाड़ी बना रहे हैं सीढ़ियाँ बना रहे हैं कुछ भी बन जाता है समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बच्चे बनाने के बाद पूछते हैं मैं क्या बना रहा हूँ यानी वो कुछ अभी कन्फ्यूज हैं कुछ क्या वो बना रहे हैं लेकिन जब उनको बताएगा कोई गाइड करेगा टीचर या पेरेंट तो फिर वो बड़े खुश होते हैं कि जी ये एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया जो हमने बनाया तो इसी तरह हमारा खेल जो है वो छोटे बच्चों के ब्रेन के लिए उनके फिजिकल ऑर्गन्स के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो उससे वाकई लर्न करते हैं जी यहाँ पे एक वीडियो हमने आपके लिए भेजी है इस कोर्स के साथ इसको देख लीजिए इसमें प्ले की बहुत सी अहमियत दिखाई गई है और ये कि बच्चे किस तरह से इस सारे लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं जब उनको फ्री प्ले की तरफ हम लेके आते हैं